आप सभी दर्शकों को मिनीमाइंड दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मशीनों की ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद मजा आ जाए, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रिसाइकलिंग इक्विपमेंट, बड़े बड़े टायर्स को रिसाइकल करने में मदद करने वाली ये मशीन टायर्स को दबाने का काम करती है, जो काफी मुश्किल भरा होता है। इस यूनिट में टायर्स को बस लाके डालना पड़ता है, उसके बाद इसका गेट बंद करके साइड के व्हील को घुमाकर इसे अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है। मशीन में बची बाकी जगह को भी टायर्स से भरने के बाद ऊपर लगी जाली को नीचे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इसका एक बटन दबाने पर इसके अंदर लगे हाइड्रोलिक प्रेशर से टायर्स का कचूमर निकल जाता है। बेल्ट से बांधने के बाद अब ये टायर्स पहले से काफी कम जगह में आते हैं, जिसमें बाद में रिसाइकलिंग प्रोसेस में काफी मदद मिलती है। लासोल, इस मशीन को बनाया है फ्रांस के इंजीनियर्स ने। जमीन को एक सिदाई में खोदने का काम ये मशीन बखूबी जानती है। साथ ही इसमें 2 छोटे रोलर्स लगे हैं, जिसमें से पाइप गुजरता हुआ खोदी हुई मिट्टी के साथ साथ जमीन में बिछता चला जाता है। ये देखने में बिल्कुल हल की तरह है, पर इसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर जोतता है। इसके हल के ऊपर लगे रोलर्स एडजस्टेबल हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार पाइप लगाया जा सकता है। एक बार जमीन खोदने और उसके बाद उसमें पाइप डालने में काफी ज्यादा समय लगता है, साथ ही गलती होने पर सारी मेहनत खराब जाती है, पर लासोल ये दोनों ही काम एक टाइम पर बिना गलती के करता है। CUV8 डायमंड D32 हाइड्रोलिक कटर आता है जापान से, जिसकी विशेषता है 6 mm से 32 mm तक के आयरन और स्टील को चुटकियों में काटना। किलो की ये मशीन चलने के लिए लेती है 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट। इस मशीन की ताकत है ब्रश मोटर, जिसकी कैपेसिटी है 2 किलोवाट। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, इजी ऑपरेटिंग सिस्टम आयरन कटिंग के लिए बेस्ट है, जिसे बहुत से लोग पसंद भी करते हैं मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों में। हाइराडो, विशालकाय बड़ी बड़ी चट्टानों के पत्थरों को तोड़ने के लिए हाइराडो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पत्थरों पर इतना ज्यादा दबाव बनता है कि वह टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वो भी बिना किसी धमाके के। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल, स्कूल या लिविंग सोसाइटी में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ताकतवर मशीन कब अपना काम पूरा कर देगी इस बात का किसी को पता ही नहीं चलेगा। ब्रेव इक्विपमेंट, यह एक छोटा कॉम्पैक्ट चेन टाइप ट्रेचर है, जिसे जमीन को काटने, नाली जितना खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामने की तरफ एक चेन बेल्ट और साइड में लगे कटर दोनों मिलकर तेजी से मिट्टी को खोदते हैं, और साथ में मिट्टी तुरंत बाहर जमा करते हैं। एक अकेला इंसान इसे ऑपरेट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर ऐसी छोटी कॉम्पैक्ट मशीनें काफी ज्यादा मददगार साबित होती हैं मजदूरों के लिए, जिनसे समय की बचत के साथ मेहनत भी कम लगती है। शुल स्नो ब्लोअर, जिन देशों और प्रदेशों में अधिक बर्फ जमने के कारण जीवन के साथ साथ यातायात ठप पड़ जाता है, उनकी समस्या का सबसे बेहतरीन उपाय है शॉल्ट के स्नो ब्लोअर। ये मशीन जमीन पर जमा बर्फ की मोटी से मोटी परतें हटाने के साथ अपने हाई प्रेशर पावर से बर्फ को कई मीटर दूर फेंकती है,
जब यह मशीन काम कर रही होती है तब देखने पर मालूम पड़ता है असल में बर्फ हटाना कितना मेहनत और मुश्किल भरा काम है, जिसमें समय की बहुत ज्यादा खपत होती है। पर हमें थैंक्स करना चाहिए इन स्नो ब्लोअर का, जिनकी मदद से ये काम आसान हो पाया। इसके साथ एक कंटेनर चलाया जा सकता है, जिसमें बर्फ को निकालने के बाद डालकर कहीं दूर फेंका जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।